Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Ritu and my today's video is all about Meesho Chikenkari haul. बहुत time से आप लोगों का बहुत ज़्यादा request था कि मैं Meesho की चिकनकारी कुर्ती का रिव्यू करूँ. सो दीज आर दी कुर्तीज़ एंड कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर करी हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन Meesho. सो लेट्स ट्राई इट आउट. कैसी आई लाइक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये वाइट कुर्ती है. लुक एट दिस. ये जस्ट मैंने ली है अराउंड 300 और 350 रुपीज़ में गाइज. लेकिन ये मैंने ऑर्डर किया था पिंक कलर में और मुझे ये पूरा वाइट रिसीव हुई है. Meesho पर लाइक जो कॉटन वाले फैब्रिक में सस्ती कॉटन वाले फैब्रिक में जो चिकनकारी कुर्ती होती है अराउंड 200, 250 और 300 के या 350 के अराउंड उनका जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब खड़ा वाला जो कॉटन होता है ना वैसा. लेकिन इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है. जो नॉर्मली हम इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छी अच्छी चिकनकारी देखते हैं अराउंड 1000 रुपीज़ में, इसका फैब्रिक वैसा तो नहीं है लेकिन उस तरीके का फैब्रिक है. कॉटन का फैब्रिक है एंड बहुत सॉफ्ट लाइट वेटेड है. जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी लाइक हार्ड सा नहीं है कि वॉश होने के बाद ये सॉफ्ट होगा ना, ये एक्चुअल में सॉफ्ट है और क्वालिटी अच्छी है. लेकिन थोड़ा सा ना स्टिचिंग वगैरह ऐसे निकल रहा है. सो दैट्स इट. बाकी इसका जो ऑल ओवर कढ़ाई है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आप खुद ही देख लो, वाइट है ये इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने पिंक कलर मंगाया था. और इसमें पिंक के अलावा और भी 6-7 कलर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो. एक बार आप पास से देख लो कि किस तरीके की इसकी कढ़ाई है. फुल स्लीव्स मिलेंगी आपको ऐसे एंड पूरे पर इस तरीके की कढ़ाई है. नीचे ना आपको जगह जगह से फ्लावर और लीव्स बने मिल जाएंगे. बैक से ये बिल्कुल प्लेन है. फैब्रिक इसका ना हल्का सा ऑफ वाइट है, एक्चुअल पूरा जो प्लेन वाइट होता है नीला नीला सा वैसा नहीं है, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी. आई रियली लाइक दिस. एक्चुअल में ये पिंक कलर में होती ना तो बहुत ही सुंदर लगती है. वाइट थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है लेकिन वाइट वैसे मेरा फेवरेट है. लेकिन एक्चुअली मेरे पास वाइट ऑलरेडी है इसके लिए मैंने पिंक कलर मंगाया. बाकी आप पीछे से देख लो कि कढ़ाई वगैरह किस तरीके से कर रखी है. मशीन कढ़ाई है ये, हैंड कढ़ाई नहीं है. सो दैट्स वाई. बाकी फ्रंट पे ना आपको ऐसे नेक मिलेगा. नो कि क्यों मेरे पास वाइट आए जा रही है. इसको भी लाइक इसको तो मैंने यही ऑर्डर किया था, एक्चुअल में सही आई है बट मैंने दो वाइट नहीं सोची थी. इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि वो वाइट क्यों आ गई. आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, बहुत 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 सारे, ब्लैक, रेड, वाइट, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं. बहुत सही है. इसका जो कलर है वो एक्चुअल वाइट है, आप देख लो, थोड़ा सा नीला जैसा वाइट होता है ना वैसा वाला है. सो जो ये चिकनकारी कुर्ती है, एक्चुअल में आप लोग बोलोगे ये चिकनकारी वाला वर्क नहीं है. यस, ये मशीन वर्क है और बहुत ही लाइक रफली वर्क किया हुआ है, बहुत बारीकी वाला वर्क नहीं है, आप देख लो. लेकिन ना इसमें ना पूरे पर कढ़ाई मिलेगी. मैंने इसका रील अपलोड किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी लगी उन लोगों को. सो इसमें कलर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो एंड कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं मिलेगी. आप एक बार देख लो अंदर से ना कुछ इस तरीके से, मैंने बोला ना रफली कढ़ाई की गई है और लुक पूरा ऐसे ही है कि चिकनकारी कुर्ती है और बहुत अच्छी लगती है यार. अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, कॉलेज वगैरह जाते हो तो डेफिनेटली आप इस तरीके का लाइक, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है गाइस, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इसको. ब्लैक कलर की लेगिंग और दुपट्टे के साथ पहन सकते हो. फ्रंट पर ना आपको ऐसे बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी. हैव अ लुक. ये फैब्रिक से ही ऑलरेडी बनाए गए हैं. राउंड नेक मिलेगा, हल्का सा वी कट दिया हुआ है. फुल स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स पर भी इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं. नीचे बॉर्डर मिल जाएगा चिकनकारी का एंड बैक में भी ना पीछे इस तरीके से जगह जगह फ्लावर्स बने हुए हैं. एंड जो जस्ट बैक वाला पोर्शन है उसमें आपको ऐसे बड़ा सा फ्लावर मिल जाएगा. बाकी एज आई टोल्ड यू कि कलर्स इसमें अवेलेबल है. फैब्रिक इसका एक्चुअल कॉटन नहीं है, प्योर कॉटन वाला फैब्रिक नहीं है, हल्का सा कुछ मिक्सअप सा है. लेकिन फैब्रिक काफ़ी लाइट वेटेड है और समझ के लिए काफ़ी सही है. और ऐसा नहीं है कि इसमें सी थ्रू वगैरह होगा. सो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कोई और कलर भी ले सकते हो. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट आई हैव दिस प्रिटी कुर्ती. एक्चुअली इसमें ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लाइक 6 to 7 कलर्स मिल जाएंगे आपको. एंड ये मैंने एग्जैक्ट कलर में रिसीव करी है, लाइक जो कलर मैंने ऑर्डर किया था वही मुझे मिला है. लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. लाइक इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा लाइक हार्ड वाला कॉटन होता है ना वैसा है, लेकिन आफ्टर वॉश ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, मैंने इसे स्मॉल साइज़ में, मतलब एक्सेस साइज़ में ऑर्डर किया था और मुझे ये मीडियम साइज़ में मिली है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी 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 लूज़ है. और बेसिकली इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन का है. इसका जो कढ़ाई है वो बहुत सुंदर है, लाइक बहुत सुंदर. हैंडवर्क नहीं है ऑब्वियसली, लाइक 300 और 250 की रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. सो ये मशीन वर्क है, पीछे से कुछ इस तरीके से मिलेगा. लेकिन डिज़ाइन जो भी है कढ़ाई का वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. रेड कलर में ये और सुंदर लग रही थी, पिंक कलर में भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये लेवेंडर कलर लिया. वैसे तो मैंने सारे ना अलग अलग कलर लिए थे एंड एज आई टोल्ड यू.
प्रॉपर लेंथ मिलेगी जैसे नॉर्मल कुर्तीज़ वगैरह में होती है। यहाँ पर इस तरीके से आपको जगह जगह इस तरीके से जो भी इसको बोलते हैं जगह जगह बने मिल जाएंगे आप लोगों को। एंड इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो मीडियम साइज़ है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इस तरीके से ब्रॉड में ज़्यादा लगा, लाइक स्ट्रेट में नहीं मिला। स्ट्रेट में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। एंड बेसिकली तो पूरा ही मुझे लूज़ है, आप खुद ही स्लीव्स देख लो, कुछ इतनी बड़ी बड़ी स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स बेसिकली यहाँ तक आएंगी। एंड बाकी ये मुझे अच्छी लगी, लाइक वाइट कलर के लेगिंग के साथ या नॉर्मल जीन्स के साथ आप कैसे भी पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडियन टच में बिल्कुल करना है, इंडो वेस्टर्न नहीं करना, तो आप लाइक वाइट लेगिंग के साथ दुपट्टे के साथ पहन सकते हो। सो मुझे अच्छा लगा, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छी है, लेकिन फैब्रिक आफ्टर वॉश ही सॉफ्ट होगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि पहनने से पहले एक बार वॉश कर लेना। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दिस ब्लैक चिकनकारी कुर्ती। एंड इसमें ना आपको बहुत 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 सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये मैंने लिया अराउंड अंडर 400 रुपीज़ में और बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप मीशो से कोई चिकनकारी कुर्ती देख रहे हो ना तो इस वाले में ले लेना, लाइक आपको अगर ब्लैक चाहिए ब्लैक, वाइट चाहिए वाइट, जो भी कलर चाहिए वो कलर ले लेना, लेकिन इस तरीके की लाइक होनी चाहिए क्योंकि ये पैसा वसूल चीज़ है, आप नॉर्मली कहीं भी पहन सकते हो और क्वालिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। सो जैसे मैंने बोला कि मैंने लिए है इसे अंडर 400 में और इसका साइज़ यहाँ पर 40 दिखा रहा है। सो या मैंने ना इसमें सिलाई डाली है क्योंकि ये भी मुझे एक साइज़ बड़ी आ गई थी। सो बेसिकली अभी मेरे को पूरा परफेक्ट फिट आती है। सो ये ना यहाँ पर आपको इस तरीके से स्लीव्स मिल जाएंगी, पूरे पर कढ़ाई है, लाइक स्लीव्स पर भी यहाँ पर ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है। पूरा जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, मुझे इस तरीके की चिकनकारी कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिकली। सो ये यहाँ पर ऐसे आपको मिल जाएगा पूरा, लाइक नेक पर बॉर्डर दिया हुआ है एंड पूरे पर इसी तरीके से कढ़ाई हो रखी है, हवन लुक। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ मुझे ब्लैक इनर भी मिला था, आई डोंट नो वेयर इट इज़ क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहनती। मैं बेसिकली अगर मेरे को थोड़ा सा से थोड़ी नॉर्मल जगह पे जाना है तो मैं शॉर्ट इनर डाल लेती हूँ, और अगर वहाँ शॉर्ट इनर भी नहीं पहन सकती तो थोड़ा सा लॉन्ग इनर डाल देती हूँ जो वेस्ट तक आए, वरना मुझे हाफ इनर ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर ही ऐसे मिलेगा, बैक से ना देख लो आप जगह जगह इस तरीके की लीव्स वगैरह बने हुए हैं। सो पूरा जो फैब्रिक है वो ट्रांजी एज यू कैन सी, एंड इसमें आप बेसिकली तो ब्लैक कलर का इनर ही जाएगा एंड नॉर्मल वाइट कलर की जीन्स के साथ या ब्लू किसी के साथ भी वैसे पहन सकते हो। एंड बेसिकली ब्लैक कलर इसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर लिया एंड आई लव इट। नेक्स्ट आई हैव टू शेयर दीज फोर बॉडी वॉश, एंड इनमें से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है विच इज़ 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश, लेट्स टॉक अबाउट इट। A lot of people struggle with problems like pigmentation and dark spots. There are a lot of products in the market that claims to resolve face concern but not for the body. Here is 1% kojic acid body wash by the Dermaco with the power of 2 actives. Your favorite ingredient now comes in body wash. The Dermaco 1% kojic acid daily brightening body wash has the power of 2 actives, 1% kojic acid and alpha arbutin. This body wash work wonder in diminishing pigmentation and reducing the appearance of dark spots, revealing a bright and even skin tone. Say goodbye to sunspots and photo damage and hello to radiant youthful skin. And the best part, our sulfate free formula is also paired with pentavitin of potent hydrating ingredient that works to retain the essential moisture of your skin and maintain its natural barrier, ensuring up to 24-hour long-lasting hydration even after frequent showering, leaving you with a bright and nourished complexion. Pour a coin-sized amount of body wash on your hand and loofah, gently rub it on your wet body, rinse off with water and towel dry. Kojic acid lightens the dark spots, treat melasma and decrease the appearance of scars. Alpha arbutin, it fades the effect of hyperpigmentation like dark spots, acne and melasma. And a lot of times body acne is result of extreme dryness. The body skin gets a lot of bumps, acne. The Dermaco 1% salicylic acid daily exfoliating body wash is paired with salicylic acid to sweep off dead skin cell, tug out acne causing bacteria and restrict breakout. The body wash is sulfate free and its antibacterial properties make it perfect for everyday bathing routine. It cleanses your skin,
deeply while keeping body acne away. This is available on the official website of Dermaco, Nykaa, Amazon and Flipkart. You can use my code Utvanjali2023 to get 20% off. Every time you buy from them, Dermaco will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have pledged to help 10,000 plus students across the year. Orange या peach, जो भी कलर बोलो आप इसको, बहुत ही सुंदर कलर है एक तो. सो बेसिकली ये भी जो मैंने अभी प्रीवियस वाली आपके साथ शेयर करी कुछ वैसी ही है, बस जो उसका कढ़ाई है वो अलग है. एंड यस, फैब्रिक भी इसका थोड़ा सा अलग है. जो पहले जॉर्जेट के दुपट्टे नहीं चलते थे, कुछ उस तरीके का इसका फैब्रिक है. सो मुझे दोनों ही फैब्रिक अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि ये वाला अच्छा है ये वाला अच्छा है, बट ये ना थोड़ी सी लाइक सॉफ्ट ज़्यादा है तो उसके लिए मुझे अच्छी लग रही है ये. एंड इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. फ्रंट से आप देख लो, नेक कुछ इस तरीके से मिलेगा, कढ़ाई देख लो बहुत सुंदर कढ़ाई कर रखी है, पीछे से आप देख लो बहुत ही मैजी कढ़ाई हो रखी है. लग रहा है कि ये हैंडवर्क है और बहुत ही सुंदर से हैंडवर्क किया हुआ है फ्रंट पर, आप खुद ही देख लो. पीछे से पता चल रहा है कि यस इट्स अ हैंडवर्क की गई है. इसमें ना लाइक पूरा जो नेक है वो यहाँ तक नेक की कढ़ाई दी हुई है. हैव अ लुक. एंड पूरे पर इस तरीके से ऐसे ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं. एंड इस तरीके से आपको बॉर्डर मिल जाएगा दोनों साइड में. हैव अ लुक, दोनों साइड में बॉर्डर मिल जाएगा. जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ, बाकी पूरे में बॉर्डर दिया हुआ है. एंड इस तरीके से फ्लावर्स बने मिल जाएंगे आपको. स्लीव्स मैंने दिखा दी आपको, प्लेन स्लीव्स मिलेंगी, जस्ट यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है. एंड पैक में ना सिर्फ यहाँ पर ऐसा छोटू सा फ्लावर मिलेगा और कहीं भी कुछ नहीं है. बाकी जैसे मैंने बोला इसमें कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो. लाइक ब्लू कलर भी है, मुझे ब्लू कलर चाहिए था, ब्लू कलर मैंने ऑर्डर भी किया था लेकिन ब्लू कलर लाइक कैंसिल हो गया. सो इसके लिए जो भी मेरे पास थी, एक्चुअली जो दो अमेज़ोन से मैंने ली थी प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर करी है, अगर आप में से बिल्कुल लोगों ने नहीं देखी मुझे पता है वो वीडियो, इसलिए मैं उसको ना इसमें भी शेयर करूँगी. आप डेफिनेटली उसको परचेज करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. बहुत बार ही देखा होगा, मैंने रिसेंटली अपने अमेज़ोन हॉल में से शेयर किया है. सो ये मैंने अमेज़ोन से लिया अराउंड 900 रुपीज़ में, मतलब सॉरी 900 तो अब हुआ है, मैंने लिया था 799 में. मीशो पर आपको ये बहुत सारे कैटलॉग्स में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में मिल जाएगा. लाइक अगर आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो 800-900 में, और अगर आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी में चाहिए सो लाइक आप जा सकते हो 500-600 की रेंज में. मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट सेम मिलेगा, बट थोड़ा सा फैब्रिक का फ़र्क आ जाएगा. ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है, स्मॉल मेरे को परफेक्ट आया. एंड यहाँ पर ऐसे स्लीव्स ही हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कितना सुंदर वर्क रखा है. अगर आप इसको 600 रुपीज़ में लोगे तो वर्क वगैरह सब सेम मिलेगा, बट उसकी सॉफ्टनेस है ना वो उतनी नहीं मिलेगी. सो ये पूरा फ्रंट पे ऐसे नेक दिया हुआ है, पूरे पर इस तरीके से कढ़ाई कर रखी है, इस तरीके से स्टोन या सितारे लगा रखे हैं. अंदर ना प्रॉपर लाइनिंग अप्लाई कर रखा है, बोलो प्रॉपर कॉटन वाला फैब्रिक का लाइनिंग अप्लाई कर रखा है, जो अस्तर बोलते हैं ना उसको, वो लाइनिंग अप्लाई कर रखा है. एंड यहाँ नीचे आपको इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा. हैव अ लुक, बहुत ही बड़ा बड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है. एंड नीचे इस तरीके से ये फैब्रिक भी चिकन वाला जो फैब्रिक होता है ना उस तरीके का फैब्रिक है, और नीचे आपको इस तरीके से मिल जाएगा. आई लव इट, बहुत ही लॉन्ग है, लाइक नी से काफ़ी नीचे तक आएगी ये. एंड बिकॉज मेरी हाइट 5'3" है तो ऑफकोर्स नीचे तक आएगी. बैक में भी पूरे पर इसी तरीके का काम कर रखा है, इवन नीचे भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा. एंड गाइज आई लव दिस, आप नॉर्मल तो पहन सकते हो, इवन ब्लू जीन्स के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. एंड नॉर्मल या ना कलरफुल दुपट्टे के साथ भी पहनोगे तो भी अच्छी लगेगी. फैब्रिक इज़ रियली नाइस, लाइनिंग जो आपको मिलेगी ना वो यहाँ तक मिलेगी. हैव अ लुक. और गाइज ये बहुत ही कम्फर्टेबल भी है, बहुत सॉफ्ट है, देखने से लगेगा यहाँ से तो नहीं काट रहा वहाँ से तो नहीं काट रहा, लेकिन नहीं, बहुत ही बढ़िया है. अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो मैं मीशो के दोनों लिंक आपको दे दूंगी, लाइक एक्सपेंसिव वाला भी और थोड़ा सा बजट वाला भी. नाउ मूव ऑन टू द बॉटम वेयर पार्ट. ये इसका बॉटम वेयर पार्ट है, नॉर्मल जिस तरीके से पैंट्स होते हैं ना उस तरीके से है. ऊपर लास्टिक मिल जाएगा एंड पूरे पर वही काम हो रखा है. अंदर इसमें ना कोई भी अस्तर वगैरह नहीं मिलेगा, आप देख लो, बट कहीं से भी चुपता वगैरह काटता वाटता नहीं है ये, डोंट वरी. सो नीचे ना आपको इतना बड़ा बड़ा बॉटल सा मिल जाएगा, बहुत सुंदर लगता है गाइस ये पहनने के बाद. सीरियसली आप इसको इंडिविजुअल भी अदर कुर्तीज़ वगैरह के साथ पेयरअप कर सकते हो. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लैक चिकनकारी कुर्ती, ये मेरी फेवरेट है गाइस, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत लाइक पैसा वसूल चीज़ है. ये मैंने लिए है अंडर अराउंड 499 रुपीज़ में. मीशो पर आपको 499 कुछ में मिल जाएगी और काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो. अंदर कढ़ाई कर रखी है बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पर ऐसे स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव पर भी प्रॉपर कढ़ाई कर रखी है फ्रंट और बैक दोनों साइड में. ऐसे यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएगा, जो इसका लाइनिंग है ना वो सिर्फ यहाँ तक अप्लाई कर रखा है.
आप देख लो अंदर ना क्रीम वाले फैब्रिक की लाइनिंग अप्लाई कर रखी है फ्रंट और बैक दोनों साइड में, लेकिन वो सिर्फ आपको वेस्ट पोर्शन तक मिलेगी। बहुत सुंदर वर्क का रखा है गाइस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नीचे वाले फैब्रिक में लाइनिंग अप्लाई नहीं की जाती है, जो वेस्ट थोड़ा सा दिखता है ना मुझे बहुत अच्छा लगते हैं इस तरीके के आउटफिट। और नीचे आप देख लो पूरे पर कढ़ाई कर रखी है, प्रॉपर अनारकली कुर्ती है ये, और नीचे ना आपको पूरे पर फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। पीछे का भी वर्क देख लो आप कितना नीट एंड क्लीन है, कभी तो ऐसा समझ नहीं आ रहा कि फ्रंट ये है या ये है। बहुत ही अच्छा वर्क कर रखा है गाइज, सुंदर सा वर्क कर रखा है, एंड गाइज आई लव इट। मैं इसका घेर नहीं दिखा पा रही आपको, आप ट्राई ऑन में देखना, बहुत सुंदर है, लाइक पैसा वसूल चीज़ है, एंड आई एम टोटली रिकमेंड दिस वन। जल्दी से ले लो क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो रही है सच में। ना इसके साथ ये दुपट्टा मिला है जो कि बहुत सुंदर है, लाइक आप इंडिविजुअल तो उसको पहन सकते हो, आपको नहीं लेना दुपट्टा मत तो, या फिर अलग ब्लैक दुपट्टा या वाइट दुपट्टा लेना है तो वो भी ले सकते हो, बट इसके साथ जब इतना सुंदर दुपट्टा मिल ही रहा है तो ज़रूरत क्या है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा, सेम उसी में से एक डिज़ाइन उठाकर यहाँ पर चिपका दिया है, और ये पीछे से आपको इस तरीके से मिलेगा। बहुत ज़्यादा छोटू सा है ये, एवर लुक प्रॉपर है, लाइक लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आप अच्छे से कैरी कर पाओगे, छोटा नहीं है, बस ये आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा, ये उल्टा है ऐसे। सेट ये था मेरा आज का हॉल वीडियो, एंड गाइस आपको नेक्स्ट हॉल वीडियो किस पर चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। लव यू ऑल, बाय।